श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ गुलगांव केकड़ी भारत के राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा अद्भुत अनूठा तीर्थ क्षेत्र जहां दो बार भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली और दोनों ही बार मिति फाल्गुन सुदी अष्टमी को निकली। प्रथम बार संवत 2026 में और दूसरी बार 46 वर्ष बाद 2016 में। जांच परख के बाद जानकारी हुई कि ये दिव्य प्रतिमाएं जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। जैन समाज के अथक प्रयासों से एवं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से 1 जनवरी 2016 को शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की पावन माटी को 1000 कलशों से भरकर इस क्षेत्र की स्थापना की गई और भूगर्भ से प्राप्त इन अति प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमाओं को यहाँ स्थापित किया गया। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी फाल्गुन सुदी अष्टमी को हुई। ये तिथि भगवान की प्रशस्ति पर अंकित है। साथ ही पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज ने इस क्षेत्र का नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ हजारों श्रद्धालुओं के सम्मुख घोषित किया। तभी से ये तीर्थ गुणोदय तीर्थ के नाम से चर्चित हुआ। इसके बाद क्षेत्र का निर्माण तेजी से शुरू हुआ और 24 जून 2016 को पुनः संपूर्ण समवशरण को नवीन क्षेत्र पर हजारों लोगों की साक्षी में नवीन संत शिला के हॉल में वेदी बनाकर विराजमान किया गया। वर्तमान में भी क्षेत्र पर निर्माण कार्य जारी है। यहाँ वर्ष भर भगवान के दर्शनार्थ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ विराजमान मूल नायक भगवान की अति विशिष्ट प्रतिमा जी की शांति धारा का विशेष महत्व है। यहाँ शांति धारा करने और करवाने वाले भक्तों के मनोरथ अति शीघ्र पूर्ण होते हैं। आप भी अपने स्वजनों सहित एक बार अवश्य पधारें श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय तीर्थ गुलगांव केकड़ी। महानुभाव अजमेर कोटा मेन हाईवे पे निर्यात पर समान जगत पूज्य मुनि पोंगो सोदागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली है। अजमेर कोटा मेन हाईवे पे केकड़ी के पास में गुलगांव गांव है जहाँ पे आदिनाथ भगवान का पूरा समोषण भूगर्भ से निकला है और यहाँ पे गुरुदेव के आशीर्वाद से भव्य बहुत बड़ा विशाल काय पत्थर से ये मंदिर बन रहा है। भव्य चौबीसी बन रही है और त्रिकाल चौबीसी के साथ साथ कीर्ति स्तंभ सहस्त्र जिनाले का यहाँ निर्माण चल रहा है। एक मूर्ति बिठाने का सौभाग्य हर परिवार करता है। हर आदमी की इच्छा होती है भगवान विराजमान करूँ तो वह सौभाग्य अर्जित कर सकता है। आप यहाँ पधारिए, यहाँ से नारेली 80 किलोमीटर, यहाँ से आवा 65 किलोमीटर और जहाजपुर यहाँ से 30 किलोमीटर है। यहाँ पर रहने की और भोजन की उत्तम व्यवस्था है। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र यहाँ राजस्थान की पहली प्रतिमा विराजमान है आदिनाथ भगवान की। जहाँ से भगवान निकले हैं वहीं पे भगवान का ये बहुत बड़ा विशाल का ये मंदिर बन रहा है। बहुत बड़ा प्रांगण है। यहाँ पे पत्थर से बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। रहने की उत्तम व्यवस्था है और मेन हाईवे पर रगवा स्थान है। आप यहाँ आइए, पधारिए और अपने पुण्यार्जन करके अपना जीवन सफल कीजिए। जय जिनेन्द्र। प्रेम सेम प्रेम में अरम वम मम हम सम पम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम शिम शिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जले न जिन्दे चयमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं पं हं सं तं पं पं जां जां छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोर्ते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पच। ॐ नमो अरं झां झं छीं हं सं झां वाया छा वा झीं झां झीं छूं छीं छों छं छं छौ छा झीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रें रौ रौ रा द्रां द्रीं द्रव द्रव नमोर्ते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं श्री श्री गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र संप्रेरक संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सदा निरोगी रहे जीवंतो जयवंतो सतायो दीर्घायु ससंग निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंग आरोग्यार्थम गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की संपूर्ण कार्य योजना सानंद संपन्नो। गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र विश्व में विख्यात हो, समस्त विश्व की गोवंशिक स्वास्थ्य हो, सभी तीर्थ रक्षक परिवार आज के तीर्थ रक्षक पुण्यार्थक परिवार श्रेष्ठ श्रीमान अशोक कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में
श्रीमती इंदिरा देवी जी पत्नी, पुत्र श्री आशीष जी जैन, श्रीमती सुमन जी जैन पुत्र, श्री अर्णा जी जैन वगैरह वाले सब परिवार से मालपुरा, श्रेष्ठ श्रीमान ओम प्रकाश जी, मुन्नी देवी जी, विनोद जी, ज्योति जी, प्रिंस जी, सोना जी, रक्षिता जी, यवी जी, श्री जी, गुड्डन जी, समस्त मित्तल परिवार के अग्री सब परिवार से, श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती सुशीला देवी जी, गोविंद कुमार जी, अलका जी, राजकुमार जी, शिल्पा जी, उत्कर्ष जी, सक्षम जी, परचिन जी, पंत जी, सिंगल परिवार, समस्त सपरिवार सदरा वाले केगड़ी, श्रेष्ठ श्रीमती सुशीला देवी जी, श्री कैलाशन जी, श्री शंभु कुमार जी, सुरेंद्र जी, सम्यक जी, जैन धुंदरे वाले, शंभु जी एवं मीनू जी के 25वीं शादी की सालगिरह वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मंगलमय जीवन हेतु श्रीमती रजनी जी, तरुण जी, अनुराग जी, काला अरविंद जी, अंकुर जी, हरिवीर जी, पाटनी परिवार मुंबई वाले, श्री विनय जी, आबाजी मैत्री जी, विवेक जी, बेबी जेविस्का जी, आयु जी, संभव जी, अहमदाबाद वाले, श्री पन्नालाल जी, सरला देवी जी, विवेक जी, केतकी जी, आराध्य जी, देवान जी, बेनाडा परिवार आगरा वाले, श्री अक्षय कुमार जी, रेणु जी, अक्षांत जी, अक्षिता जैन सपरिवार, अक्षिता जैन के यूपीएससी परीक्षा में सफलता है तो श्री प्रदीप जी, प्रीति जी, राजेश जी, रेखा जी, आशिका जी, दीपिका जी, साक्षी, आयुष, खुशी, पाटनी, सुनीता, सीमा, भिवंडी, मुंबई, सूरत वाले, श्री सुशील जी, सुमन जी, नवीन जी, रीना जी, अभिषेक जी, अनु जी, मयंक जी, सौम्या जी, अवनी जी, दिवसा जैन पार्षद सपरिवार सोनीपत वाले, श्री नरेंद्र जी, स्वर्गीय श्रीमती सुदेश रानी जी, विपिन जी, संगीता जी, अभिषेक जी, रिद्धि सिद्धि, सुदेश इंडस्ट्री जेट प्राइवेट लिमिटेड बहिराज लखनऊ, आंचल जी, वैभव जी, सुमित जी, प्रीत विहार दिल्ली वाले, श्री ओम प्रकाश जी, मुन्नी देवी जी, विनोद जी, ज्योति जी, मित्तल नव व्यवसाय सफलता हेतु श्री ताराचंद जी, टिकम चंद जी, मोनू जी, हर्षित जी, पुण्य जी, केगड़ी व्यापार लाभार्थम आरोग्यार्थम, श्री राकेश जी, सोना जी, बॉम्बे मोहनाय मंदिर अतिशीघ्र निर्माण हेतु श्री माया प्रसाद जी, पारसमल जैसव जी, महेंद्र जसगरा वाले, केगड़ी सुख शांति समृद्धि सौदता हेतु श्री प्रसन्न जी, कुसुम जी, पलक जी, पुलकी जी, प्रिया जी, इंदौर वाले, श्री ताराचंद जी, सुशीला देवी जी, सुनील जी, सीमा जी, रौनक जी, मिताली, अतिशय चांदसेन वाले, केगड़ी सुख शांति समृद्धि हेतु व्यापार बाधा निवारण हेतु मनोकामना पूर्ण हेतु श्री सज्जन कुमार जी, युग जी, अभिजी पांडे केगड़ी वाले, श्री बागचंद जी, ज्ञानचंद जी, श्रीमती आशा देवी जी, सुनील जी, मेनका जी, अभिजी जी, अभिषेक, रीमाल, लक्की, टीमा, तीर्थ, कथान जैन, जैन ज्वेलर्स परिवार, केगड़ी सपरिवार, श्री माया प्रसाद जी, मुन्नी देवी जी, सुनील जी, अनिल जी, इंदु देवी जी, संजय जी, निशा, गीतांशी, पार्थिव, चारवी जय, मित्तल परिवार केगड़ी, श्री माया प्रसाद जी, विपिन जी, सचिन जी, गदिया परिवार केगड़ी, श्री प्रवीण जी, मीना जी, अयोध्य जी, पायल, दीपाली, नमोकार, प्रिंस, मित्तल परिवार केगड़ी, जयपुर वाले, श्रीमती कंचन देवी जी, विमल जी, राजेंद्र जी, रमेश चंद जी, विकास जी, विद्यान जी, श्रुतिका जैन, मेहरू कला वाले केगड़ी, सभी गौवंश के लंपी रोग निवारण हेतु आरोग्यार्थम, श्री संजय जी पाटनी, नशीराबाद, बुरहानपुर वाले आरोग्यार्थम, श्री माया प्रसाद जी, ओम प्रकाश जी, संजय जी, पारस जी, पीयूष जी, रितेश जी, आदित्य जी, आगम जी, अथर्व जी, जैन सपरिवार तालेड़ा वाले, श्री कैलाशन जी, मोहित जी, निर्मला जी, प्रियंका जी, मैत्री जी, खत्ते वाले, कानपुर सपरिवार, श्री लिपांशी जी, कुमावत आरोग्यार्थम शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती हेमलता जी, श्रवण कुमार जी के वंश वृद्धि हेतु पीपलू वाली केगड़ी, इंदिरा देवी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान गोविंद जी, जैन सरपंच साहब सदरा वालों की मनोकामना पूर्ण हेतु राजनीतिक क्षेत्र की अपार सफलता हेतु श्रीमान सुरेश चंद जी जैन दरियागंज दिल्ली वालों के कोर्ट केस में सफलता हेतु श्रीमान नवीन कुमार जी, श्रीमती अंजलि जी जैन बेंगलोर वाले मनोकामना पूर्ण हेतु श्रीमान मंगल कुमार जी, श्रीमती अंशु जैन, श्री किरण प्रकाश जी, श्रीमती सुप्रिया जी जैन गर्भस्थ शिशु प्रसूति कार्य सानंद संपन्नार्थम गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र एवं समस्त सकल दिगंबर जैन समाज के गड़ी एवं सकल दिगंबर जैन समाज गुड़गांव समस्त शांति धारा कर्ता परिवार से समस्त श्रेष्ठ परिवार से सकल सुफली धारण सुनम धीरम वीरम शरीरम निर्मोत्तम समृद्ध परिपूर्ण प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि जगमत्तमं शांति धारा करोतु शांति भगवान जैनेन्द्रम्।